हाँ नमस्कार, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट विथालोक में। मैं अनिल मिश्रा। तो मित्रों, एक बार हमारे इस संस्थान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। संस्कृत विषय वस्तु से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आज हम लोग आपकी पूरी पाठ्य सामग्री, आपके जो सिलेबस हैं उससे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब पर जो है इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हम लोग क्लास में चर्चा करने चल रहे हैं। तो देखिए, आज इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है कि री का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो री का उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है। ये चार विकल्प दिए गए हैं, इसमें से एक विकल्प सही है तो वह कौन सा होता है? तो आपको इसको जवाब देना है कि री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि संस्कृत की संपूर्ण वर्णमाला जो आपके माहेश्वर सूत्र में बताई गई है, उस माहेश्वर सूत्र में कुल कितने उच्चारण स्थान हैं? 8 उच्चारण स्थान बताए गए हैं। उसी में संपूर्ण संस्कृत वर्णमाला का जो है वहीं से उच्चारण किया गया 8 स्थानों से, और उसमें से एक प्रश्न ये बनाया गया था। तो इस तरह से हम लोग इसको जानने का प्रयत्न किया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, यह भी वर्णमाला से ही संबंधित है, संस्कृत वर्णमाला से बनाया गया प्रश्न है। और प्रश्न पूछा गया कि माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की कितनी संख्या होती है? पहला विकल्प 5 है, बी विकल्प 7 है, सी विकल्प 9 है और डी विकल्प 13 है। तो इस तरह से आपको जवाब देना होगा, बताना होगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो माहेश्वर सूत्रों में स्वरों की संख्या कितनी बनाई गई है? तो देखिए, इसका विकल्प जो है 9 है। बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने देखा कि माहेश्वर सूत्र में हमारे जो माहेश्वर सूत्र है उसमें 4 सूत्रों के अंतर्गत प्रारंभ के 4 सूत्र जो बताए गए हैं, 4 सूत्र, इन 4 सूत्रों में किसका विधान किया गया है? अच का विधान किया गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि इसमें कुल कितने स्वर बताए गए हैं? 9 स्वर बताए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगले प्रश्न पर इसी तरह से हम लोग चर्चा करते हैं कि कहां से प्रश्न बनाया गया है और कहां से प्रश्न शब्द रूप है। देखिए, सुपरटेट का सबसे बढ़िया टॉपिक ये है और यहां से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नोत्तरी में यहां से प्रश्न रखा गया है और पूछा गया है कि अस्मद और युष्मद ये दोनों सर्वनाम पद हैं, बार बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, में क्रमशः आवयोह है पद है। और कह रहे हैं कि यह आवयोह पद और युयोह पद, ये दोनों पद किस विभक्ति में कहां पर इसका निर्माण किया जाता है? तो आपको इसको बताना है कि भाई कहां इसका निर्माण किया जाएगा। तो देखिए, आपको इसको बताना है कि षष्ठी विभक्ति एक वचन में, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में, फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन में और डी अल्टरनेट है चतुर्थी विभक्ति एक वचन में। तो देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, बहुत उपयोगी प्रश्न है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं तो यह पद कहां पर निर्मित है? आपके षष्ठी विभक्ति दो वचन में इन दोनों पदों का निर्माण होता है। अस्मद शब्द और युष्मद शब्द संस्कृत व्याकरण में बहुत ही उपयोगी सर्वनाम है और बार बार वहां से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, धातु रूप भी आपके सिलेबस में है, शब्द रूप और धातु रूप। आपकी परीक्षा में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है यही से बनते हैं, शब्द रूप और धातु रूप से। और देखिए, यहां से धातु रूप से एक प्रश्न बनाया गया है और पठिश्याम, पठिश्याम पद है और आपसे पूछा जा रहा है कि लकार, किस लकार में यह रूप बनता है? तो प्रश्न है लट लकार का है कि लोट लकार का है कि लिट लकार का है कि लंग लकार का है। तो देखिए, ऐसा पद कहां बनता है?
किस लकार में ऐसे पद का निर्माण होता है, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब कहां पर बनेगा, तो देखिए, तो कह रहे हैं कि यह है, आप लेट लकार में निर्मित पद है। इस लेट लकार में एक सबसे बड़ी बात यह भी आपको जानना जरूरी है कि भाई लेट लकार को हम किस नाम से जानते हैं। तो लेट लकार को हम जो है सामान्य भविष्यत काल के नाम से जानते हैं, सामान्य भविष्यत काल के नाम से जानते हैं, सामान्य भविष्यत काल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से देखिए, ऐसे प्रश्नों पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है जो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। साहित्य से संबंधित कुछ भाग आपकी परीक्षा में है, प्रश्न सामान्यतः पूछे जाते हैं, चाहे वह टेट की परीक्षा हो चाहे सुपर टेट की परीक्षा हो, इस भाग की बहुत बड़ी उपयोगिता होती है संस्कृत के परीक्षाओं में। और आपसे देखिए पूछा गया है किरातार्जुनीयम के रचनाकार, यह एक महाकाव्य है और इस पर आधारित प्रश्न बनाया गया है। आपसे पूछा गया है कि रचनाकार के नाम क्या हैं, तो देखिए रचनाकार के नाम को बताना है और विकल्प दिया गया है। पहला विकल्प है भारवी और बी विकल्प है भवभूति, सी विकल्प है कालिदास और डी विकल्प है श्रीहर्ष। तो आपको बताना है किसमें किसकी रचना यह है। तो देखिए यह बहुत महत्वपूर्ण रचना है, आपका विकल्प ए सही है और यह भारत जी की रचना है। भारत जी ने एक महाकाव्य का निर्माण किया है जिसको किरातार्जुनीयम के नाम से जाना जाता है। आपकी परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई बताएं किरातार्जुनीयम में सर्गों की संख्या भी पूछी जा सकती है, क्योंकि ग्रंथकार के साथ साथ सर्ग बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपकी परीक्षा में। और इसमें सर्गों की संख्या क्योंकि 18 है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसमें 18 सर्ग हैं, क्योंकि इसका कथानक जो लिया गया है वह महाभारत से लिया गया है। कहां से लिया गया है? महाभारत से लिया गया है। तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। ये बड़े अच्छे प्रश्न है क्योंकि संस्कृत साहित्य में बृहत्त्रयी की रचना होती है और बृहत्त्रयी की चर्चा करने का कारण यह है कि वहां तीन विद्वानों की चर्चा होती है, भारत जी हैं, श्रीहर्ष जी हैं, माघ जी हैं। तो इसीलिए जो है यह ग्रंथ की जो है बहुत बड़ी उपयोगिता है और बार बार ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। देखिए कारक, कारक की भी उपयोगिता संस्कृत व्याकरण में बहुत महत्वपूर्ण है और यहां से कारक से संबंधित प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। यहां से देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, रुचार्था नाम प्रियमाणा चतुर्थी। रुच धातु के योग में जो प्रियमाण हो, जो प्रिय हो, उसमें किस विभक्ति का विधान होना चाहिए? तो बताया जा रहा है कि इसमें द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए, इसमें तृतीया विभक्ति होनी चाहिए, इसमें चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए, इसमें पंचमी विभक्ति होनी चाहिए। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब बड़ा अच्छा है कि रुचार्था नाम प्रियमाणा चतुर्थी, रुच धातु के योग में जो प्रियमाण हो उसमें चतुर्थी विभक्ति का विधान कर देना चाहिए। तो इस तरह से देखिए आपका विकल्प कितना बढ़िया है कि आपका प्रश्न सी आंसर सही है। इसी तरह से देखें अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। समास की टॉपिक है, समास की टॉपिक है और देखिए टेट की भी परीक्षा में, सुपर टेट की भी परीक्षा में समास की टॉपिक, जैसे आपने धातु प्रकरण के बारे में देखा, धातु और शब्द रूप दोनों से दो दो प्रश्न पूछे गए हैं, उसी तरह से समास की भी टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं। तो देखिए यहां से एक प्रश्न पूछा गया, शीतोष्णम, शीतोष्णम, शीतोष्णम में आपसे समास पूछा गया है कि भाई बताएं कि शीतोष्णम में कौन समास होगा। तो देखिए कितना बढ़िया समास है, शीत और उष्ण,
सामान्यतः आप कहते हैं चा अर्थ द्वंधा है, चा के अर्थ में कौन सी विभक्ति का विधान होना चाहिए, का चा के अर्थ में किस समास का निर्माण होना चाहिए, तो चा अर्थ द्वंधा द्वंद्व समास का निर्माण होना चाहिए। तो सीधे आप इस प्रश्न में विकल्प डी को सही मान लेते हैं और सामान्य रूप से आप बता देते हैं कि भाई शीतोष्णम में द्वंद्व समास होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हल प्रत्याहार, बहुत उपयोगी प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का बहुत उपयोगी प्रश्न है और बहुत ही विवादित प्रश्न है। यहां से प्रश्न बनाया गया है, प्रश्न परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और आपसे पूछा गया कि हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हो, कितने वर्ण हल प्रत्याहार में होते हैं। तो आप देखिए, आपका विकल्प बनाया गया है कि 33 है, 34 है, 35 है कि 36 है, कितने प्रत्याहार बनने चाहिए भाई। तो देखिए यहां पर जो है हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं, कितने वर्ण होते हैं हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होते हैं। आपका विकल्प बी सही है। इसी तरह से आपसे एक प्रश्न यहां से और पूछा जा सकता है, भाई व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो सामान्यतः व्यंजनों की संख्या 35 मानी जाती है। दोनों प्रश्न आप दो तरह से प्रश्न बनते हैं, जब आपसे पूछा जाए कि भाई बताएं व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो जवाब 35 देना होगा। जब हल प्रत्याहार की बात होती है तो हल प्रत्याहार में 34 वर्ण होना चाहिए। इस तरह से देखें आपका यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। संधि विधान है, आपकी परीक्षा में संधि की टॉपिक भी रखी गई है और संधि की टॉपिक बड़ी महत्वपूर्ण टॉपिक होती है। एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है और देखिए यह है स्वर संधि से संबंधित उदाहरण आपके प्रश्नोत्तरी में रखा गया है और पूछा जा रहा है कि बताइए कि गुरु धन आदेशा में संधि होने पर किस पद का निर्माण होता है, किस पद का निर्माण होता है, यह चीज आपको बताना है, कौन सा पद बनता है। ये देखिए आपके सामने बोर्ड पर यह प्रश्न है कि गुरु धन आदेशा में संधि होने पर बना हुआ पद क्या है। गुरु देशा है, गुरा देशा है, गुरुआ देशा है, गुरु देशा है। तो देखिए बहुत यण संधि का बड़ा अच्छा उदाहरण है ये। तो बनना क्या चाहिए, गुरुआ देशा बनना चाहिए। आप देखिए ऊ के स्थान पर वा आदेश हो जाता है, ऊ के स्थान पर वा आदेश होना चाहिए। ई है तो ई के स्थान पर या आदेश होना चाहिए, री है तो री के स्थान पर रा आदेश होना चाहिए, ली है तो ली के स्थान पर ला आदेश होना चाहिए। यह किस संधि में होता है, यह यण संधि में होता है। तो इसका मतलब है कि यण संधि का एक बड़ा अच्छा उदाहरण है ये गुरुवादेशा है। और यहां पर आपका उत्तर भी जो है क्या होना चाहिए, आपका उत्तर जो है सी अल्टरनेट ही बनना चाहिए, क्योंकि यण संधि का ये उदाहरण है। इसी तरह से हम लोग अगले प्रश्न पर जब आते हैं तो देखते हैं कि प्रश्न संख्या आपका 10 है और प्रश्न संख्या 10 है साहित्य से बनाया गया प्रश्न है और साहित्य का प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है महाभारत। महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं, देखिए प्रश्न कितना बढ़िया है कि महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं। इसको हम जय संहिता कहते हैं, पहला विकल्प है, आदि काव्य है, सौप्तिक संहिता है, अरण्य संहिता है, हम किस नाम से जानते हैं। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमारे उपजीव्य ग्रंथ हैं और इन्हीं के आधार पर बहुत सारे महाकाव्यों का निर्माण किया गया है। इसलिए देखिए महाकाव्य को हम जय संहिता के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से जय है, भारत है, महाभारत है, इस तरह से जो है महाभारत का निर्माण किया गया है। तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं और प्रश्न संख्या 11 पर चर्चा करते हैं। देखिए ये प्रश्न बड़ा अच्छा है, गद्य साहित्य का इतिहास,
यहां से भी जो है आप जैसा कि जानते हैं प्रश्न है कि दस कुमार चरितम में उच्छ्वास की संख्या है। यह बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। नाम तो दस कुमार चरितम है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई दस कुमार चरितम में उच्छ्वासों की संख्या कितनी हो सकती है, पांच है, आठ है, दस है, बारह है, कितने उच्छ्वास हो सकते हैं। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें उच्छ्वासों की संख्या आठ है, आपका विकल्प बी सही है। इस आठ उच्छ्वासों में दस राजाओं का वर्णन किया गया है, आठ उच्छ्वासों में दस राजाओं का वर्णन किया गया है और इसीलिए लोग कंफ्यूज होकर के प्रश्न गलत कर देते हैं। तो यहां आपको सावधानी करनी चाहिए कि भाई नहीं, दस कुमार चरितम में आठ ही उच्छ्वास होते हैं। आगे देखिए हम लोग प्रश्नों पर चलते हैं। देखिए धातु का एक प्रश्न और बनाया गया है, दुह धातु, और दुह धातु का रूप आपसे पूछा जा रहा है कहां, लट लकार में पूछा जा रहा है, प्रथम पुरुष एक वचन में पूछा जा रहा है, क्या बनना चाहिए। तो प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए कह रहे हैं कि दुहति बनना चाहिए कि दोहति बनना चाहिए कि दोग्धि बनना चाहिए कि दुधति बनना चाहिए। तो देखिए ऐसे प्रश्न टेक्निकलिटी भरे होते हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, प्रश्न गलत हो जाते हैं। तो क्या बनना चाहिए भैया, दोग्धि बनना चाहिए, आपका सी अल्टरनेट सही होना चाहिए, आपका विकल्प सी सही होगा। इसी तरह से आप देखें, हम अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कादंबरी है, कादंबरी रचना का एक सुंदर उदाहरण है। आप सामान्यतः देखते हैं कि संस्कृत साहित्य में गद्य साहित्य का नाम जब आता है तो संस्कृत के तीन रत्नों की बात होती है, दंडी बाण सुबंध की बात होती है और वहीं से एक रचना पूछा गया है। तो इसका मतलब है कि ये कादंबरी किस विधा से संबंधित है या गद्य काव्य से संबंधित है, कि यह पद्य काव्य से संबंधित है, यह मिश्रित काव्य है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जवाब बहुत आसानी से आप दे सकते हैं कि भाई यह हमारे गद्य साहित्य का एक महत्वपूर्ण रचना है और इसके रचनाकार जैसा कि आप जानते हैं कि महाकवि बाणभट्ट का नाम लेते हैं, यह अनुपम उनका रत्न है। तो इस तरह से देखें तो आपका विकल्प ए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर है। हम आगे चलते हैं, प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 की चपात। प्रश्न संख्या 14 है कि संख्या 18, क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत व्याकरण में हमें संख्याओं को पढ़ना है, संख्याओं को लिखना है, एक सामान्य सी बातें होती हैं, अंका नाम वामो गति, संस्कृत व्याकरण में अंक की गणना बाएं से दाएं की जाती है। तो वहीं से प्रश्न बना दिया गया है कि संख्या 18 का संस्कृत रूप क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि अष्टदश हो सकता है, अष्टाश हो सकता है, अष्टादश हो सकता है, अष्टाधिकश हो सकता है। तो इस तरह से देखें तो कौन सा प्रश्न सही हो सकता है, आपका विकल्प है। तो कह रहे हैं कि संस्कृत व्याकरण में हम 18 को अष्टादश के नाम से जानते हैं, 18 को अष्टादश के नाम से जानते हैं, अष्टादश के नाम से हम उसको लिखते हैं, दोनों बातें हैं। तो आपका विकल्प सी सही हो जाना चाहिए। इसी क्रम में जब हम अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिए यह भी संख्या से संबंधित प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है। एकोन शतम, एकोन शतम को हम क्या कहते हैं। तो कह रहे हैं कि 101 कहते हैं कि 99 कहते हैं कि 89 कहते हैं कि 98 कहते हैं। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है, संस्कृत व्याकरण में जब हम एकोन की बात करते हैं तो एक बहुत मार्मिक प्रश्न का उत्तर निकलता है। एकोन का मतलब एक कम, एकोन का मतलब क्या होता भैया, कह रहे कि एक कम किससे, एक कम जो आपकी सामने वाली संख्या है, शतम है, शतम से एक कम जो संख्या होगी उसी को एकोन शतम कहते हैं। तो
तो 100 से एक कम जो संख्या होगी उसको हम क्या कह सकते हैं? तो इसका मतलब है कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा और इसको हम 99 कहते हैं। आगे जब हम आते हैं तो हम प्रश्न संख्या 16 पर चलते हैं और इसको देखते हैं कि यहां से प्रश्न बनाया गया है वाच्य परिवर्तन से। यह शब्दों का कहने का एक तरीका है, क्योंकि आप टेट की परीक्षा में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं वाच्य परिवर्तन से। तो यहां पर कह रहे हैं कि रामः अस्ति है, तो कह रहे हैं कि रामः अस्ति का आपको वाच्य परिवर्तन करना है। वाच्य परिवर्तन आप जानते हैं, इसका मतलब है कि यदि कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य का वाक्य है, तो उसको हम कर्मवाच्य में बदलें या भाववाच्य में बदलें। तो यहां पर ये देखिए कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य का ये वाक्य है, तो इसको हमें भाववाच्य में बदल देना है। तो भाववाच्य में जब बदलते हैं तो कर्ता तृतीया में चला जाता है, रामेण हो जाता है। और एक चीज, हम धातु की चर्चा जब करते हैं तो धातु अपने मूल पद में चलती है, मूल धातु के साथ चलती है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? रामेण भूयते हो जाएगा। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। तो देखिए, देखने में बड़ा अच्छा सा प्रश्न लगता है, लेकिन नियम आप जानेंगे तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए तिष्ठत पद है, धातु की बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि विशेष रूप से सुपरटेट की परीक्षा में यहां से कई प्रश्न, क्रिया से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रत्यय भी पूछे जाते हैं, शब्द रूप धातु रूप भी पूछा जाता है। तो इसलिए देखिए, एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता जैसे आपका तिष्ठति पद है, और यहां पर प्रातिपदिक पूछा जा रहा कि इसमें मूल धातु कौन सी हो सकती है, तिष्ठ धातु हो सकती है, अस्त धातु हो सकती है, अस्था धातु हो सकती है, क्या हो सकता भाई? तो देखें, जबकि अस्था धातु है, क्योंकि अस्था को आदेश क्या होता है? तिष्ठ आदेश होता है, तो मूल धातु तो अस्था ही है। तो आपका प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए? सी आंसर, अस्था ही सही हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए, ऐसे प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। इसी पर आधारित हमें अपने विषय वस्तु की तैयारी करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को सही करने होंगे। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न पर, बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। देखिए प्रत्यय सरल भी है, धातु से संबंधित है, क्योंकि क्रिया में लगने वाले प्रत्यय को तिगंत के नाम से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़ा सा यहां से जो प्रश्न पूछा जाता है वो क्लिष्ट होता है, यहां बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो देखिए पादन अक्त में जो है यह प्रत्यय लगाकर कौन सा पद बनना चाहिए? तो देखिए पक्वा पद का निर्माण होता है, आपका डी आंसर सही हो जाएगा। इसी तरह से अगले प्रश्न को भी देख लिया जाए। अल प्रत्याहार, प्रत्याहार से बनाया गया जो आपकी संपूर्ण वर्णमाला है, आप देखिए अयुण पहला सूत्र है, हल अंतिम सूत्र है, 14वां सूत्र है। आपसे पूछा जा रहा कि संपूर्ण वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है? करें 43 है, 42 है, 38 है, 40 है, क्या हो सकता भैया? कुल कितने प्रत्याहार हैं? तो देखिए आप जानते हैं जितनी स्वर और व्यंजन की संख्या होती है उतने ही जो है अल प्रत्याहार में वर्ण होने चाहिए। तो पांचों की संख्या आपने बताई है कि 9 होती है, आप इसको सामान्य रूप से हरदम जानते हैं। व्यंजनों की संख्या आप 35 जानते हैं, इसका मतलब है कि यदि हम दोनों को जोड़ दें तो हमें जो है अल प्रत्याहार के संख्या का ज्ञान हो जाएगा। तो देखिए कितना बढ़िया है कि इसको हम जोड़ते हैं तो संख्या 42 पाते हैं, और हमें स्पष्ट रूप से यह ज्ञान हो जाता है कि नहीं भैया, 42 प्रत्याहार होने चाहिए, 42 वर्ण होने चाहिए, क्योंकि इसी पे प्रत्याहार का भी निर्माण किया गया है और टेट का बड़ा अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। तो देखिए आपका विकल्प बी सही है। अब इसी तरह से देखें तो हम अगले प्रश्न पर भी चर्चा करते हैं। चक्रपाणि, बहुत अच्छा प्रश्न है।
चक्रपाणी में सामासिक विग्रह आपसे पूछा गया है कि इसका चक्रपाणी जो पद है इसका विग्रह आपको बताना है। चक्रम पाणि यस्य सह, चक्रम पाणो यस्य सह, चक्रम यू पाणि और चक्रह पाणि यस्य सह। तो आप देखिए सामासिक पद, जब आप जानते हैं कि समास क्या होता है, पदों का एक हो जाना, पदों का अलग हो जाना, ये विग्रह कहलाता है। तो आपको इसमें जानना है कि भाई एक पद चक्रम है, दूसरा पद पाणो है, क्योंकि व्यवग्रीय समास है। तो जब हम देखते हैं तो इसका विग्रह पाते हैं चक्रम पाणो यस्य सह, यही इसका विग्रह है। और आपका विकल्प भी इसका बी आंसर सही है। तो ऐसे रूप से देखें तो आपके अनुसार कितना यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखिए एटेट का बड़ा अच्छा सा प्रश्न है और सुपरटेट में भी ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि कारक की बड़ी महती उपयोगिता है संस्कृत व्याकरण में। और यहां से देखिए कितना बढ़िया प्रश्न बनाया गया है कि संस्कृत व्याकरण में कारक है, कितने कारक बताए गए हैं भैया, कारकों की संख्या कितनी होती है। प्रश्न 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कारकों की संख्या कितनी है, तो कह रहे हैं कि कारकों की संख्या 6 होती है। इस तरह से आप देखें आपका विकल्प बी सही है, क्योंकि कारकों की संख्या 6 है। विवक्षा कार्यकारी भवन्ति, क्योंकि वक्ता की इच्छा कारक पर निर्भर होती है। और वही कारकों का अध्ययन हमें कैसे करना है, विभक्तियों के माध्यम से करना है। विभक्तियों की संख्या 7 बता दी गई है। तो दोनों प्रश्न देखिए कैसे कितने महत्वपूर्ण है, बार बार संस्कृत है विषय वस्तु से संबंधित परीक्षाओं में इसका ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए कवि शब्द है और इसका सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सप्तमी विभक्ति में कौन सा रूप बना हुआ है, कवेह बना है कि कवौ बना है कि कवे बनेगा कविश बनेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहां पर कवौ पद का निर्माण होता है, आपका विकल्प बी सही है। इसी तरह से हम अगले प्रश्न को जब देखते हैं तो यह भी जो है शब्द रूप और इका स्त्रीवाची पद है, रमा पद है। और देखिए सुपरटेट की परीक्षा में हम बार बार कहते हैं कि प्रतियोगी को सबसे ज्यादा ध्यान कहां देना चाहिए, प्रतियोगी को सबसे ज्यादा ध्यान जो है शब्द रूप और धातु रूप में देना चाहिए, समास में देना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपके विषय वस्तु का जो है सबसे ज्यादा प्रश्न जो है पूछा जाता है और यहीं से गलतियां भी होती हैं। तो इसलिए देखिए आपसे पूछा गया कि भाई रमा पद है और इस रमा पद का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप आपको बताना है कि इसमें से भाई बना हुआ पद क्या है। रमाया है, रमया है, रमाये है और रमाये है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसका उत्तर है बहुत आसानी से बताना है कि भाई कौन सा पद निर्मित होना चाहिए। तो आप देखें बहुत आसानी से इसका उत्तर बताएं कि कौन सा पद बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए। तो देखिए क्योंकि रमयः पद बनेगा, रमयः पद बनना चाहिए, क्योंकि एक चीज हम देखते हैं कि जब हम अकारांत की चर्चा करते हैं तो हमें दो बातें स्पष्ट होती हैं कि क्योंकि जो हमसे रूप पूछे जाते हैं वह प्रथमा विभक्ति के रूप पूछे जाते हैं और प्रथमा विभक्ति में दो स्थानों पर पंचमी विभक्ति और षष्ठी विभक्ति की चर्चा जब होती है वहां दोनों रूप समान होते हैं। और इसी समानता के नाते हर बार यहीं से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भाई पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनता है, दोनों जगह यही रूप बनता है। इसलिए पंचमी विभक्ति एक वचन और षष्ठी विभक्ति एक वचन में समानता है और यही आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो इसके अनुसार देखिए आपका विकल्प क्या बना भैया, आपका विकल्प ए सही है। अब इसी तरह से देखिए हम अपने प्रश्नों के अंतिम पावदान पर चल रहे हैं।
और फिर यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है कारक का। कारक बड़ी उपयोगी टॉपिक है संस्कृत व्याकरण की, और आपसे पूछा गया है कि सूत्र के अनुसार जिस अंग में विकार उत्पन्न हो उसमें विभक्ति का विधान होना चाहिए, किस विभक्ति का विधान होना चाहिए? एनांग विकार, एनांग विकार से प्रथमा होगा कि तृतीय होगा कि चतुर्थी होगा, क्या होगा? प्रथमा विकल्प ए है, बी द्वितीय है, सी तृतीय है और डी पंचमी है। तो एनांग विकार से क्या हो जाता है? तृतीय विभक्ति का विधान होता है। जैसे करणेन बधिरा, आप जानते हैं करणेन बधिरा, पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है, तो जिस अंग में विकार उत्पन्न होता है उस विकारवाची अंग में तृतीय विभक्ति का विधान कर देना चाहिए, यही आपका यह सूत्र बताता है। अब हम अंतिम प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं, इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है और इस श्रृंखला का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो सुपरटेट जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी प्रश्न है। प्रत्यय आपसे पूछा जा रहा है कि यदि पच धातु है और उसमें तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए तो किस पद का निर्माण होना चाहिए या कौन सा पद बनना चाहिए? कह रहे कि पच तुम, और सामान्य रूप से जानते हैं कि लास्ट में तुम शेष बचता है, तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि यह संस्कृत व्याकरण है, इसमें शुद्धता की आवश्यकता है, इसमें परमार्जिकता की आवश्यकता है। तो देखिए पची पचैतुम हो जाएगा, पक्तुम हो जाएगा, पचतुम हो जाएगा, तो इसमें सबसे जो भिन्न आंसर है वही आपका उत्तर है। इस तरह से यदि हम देखें, ऐसा विचार करें, तो हम न जानते हुए भी संस्कृत व्याकरण के प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कि देखने से ही आपको पता लग जाता है कि हमारा जो पद पूछा गया वो कौन सा इसमें शुद्ध है। तो इस तरह से आप देखें तो आपका विकल्प सी सही है। तो देखिए इस प्रश्नोत्तरी के माध्यम से हमने संपूर्ण सिलेबस को समझने का प्रयास किया कि जो हमारे सुपरटेट की परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत व्याकरण में कहां कहां से प्रश्न बन सकता है, कैसे हमें उसको अध्ययन करना है। तो इस तरह से इसके माध्यम से एक आप अपने विषय वस्तु की तैयारी कर सकते हैं, और यह है आपकी श्रृंखला, आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। इसी के साथ साथ अब आज की क्लास का यहीं पर हम लोग विराम देते हैं। धन्यवाद।